हां जी, देख रहे हो हम कहां जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इन खूबसूरत वादियों के बीच से एक सुंदर सी झील में स्विमिंग करने। स्विमिंग? कौन? जूनियर करेगा? हां जी। सो विंटर्स आर ऑलमोस्ट हियर एंड बिफोर इट गेट्स टू कोल्ड, मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी आउटिंग कर लें और बच्चों को स्विमिंग भी करा लें। कैसा आइडिया? अरे मस्त। मस्त तो है मक्कू, बट आई एम नर्वस कि जूनियर वहाँ पे स्विमिंग करेगा क्या? अरे करेगा दी, उसने पहले भी तो करी है ना स्विमिंग। हाँ बट वो 1.5 साल पहले की बात है, और तब जब स्विमिंग करी भी थी ना उसने, तो उसका कोई मन नहीं था करने का, वो तो हमने जबरदस्ती करवा ली थी उससे। चल दी रिलैक्स हो जा, आगे कहानी सुनाना तब पता चल जाएगा कि मक्कू ने स्विमिंग करी कि नहीं करी। तो ये जानने के लिए कि आज मक्कू मछली बनने वाला है कि नहीं, आपको ये कहानी पूरी सुननी पड़ेगी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है इट इज शॉट बाय सोनी ZV-E1 विच इज वर्ल्ड्स लाइटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फुल फ्रेम कैमरा। इट इज अ पावर हाउस एंड इसकी जो इमेज क्वालिटी है ना वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों कैमरे के साथ ही वी ऑल्सो हैव सोनी शूटिंग ग्रिप विच इज अ डिलाइट टू यूज विच मेक्स यूजिंग दिस कैमरा वेरी कंफर्टेबल, जो कि आगे आप वीडियो में देखेंगे। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। सो इस आउटिंग पे जाने से पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि हमारे साथ चल कौन कौन रहे हैं। देखो मैं, मैक्स और गोस्ट एंड लियो तो है ही, साथ में सीमा भी है, फिर नेहा है, दिव्यांश है, अनुराग है और दादी है, एंड साथ में मेरा बेस्ट फ्रेंड मयंक एंड उसकी फैमिली भी है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और मैंने ना एक रात पहले सीमा को बोला था कि भैया कल हम पिकनिक में जा रहे हैं, बच्ची है ना इतनी एक्साइटेड सुबह सुबह भाई अर्ली मॉर्निंग घर आ गई, मैं सोया हुआ था। गुड मॉर्निंग सीमा। सीमा इतनी जल्दी आ गई है सुबह सुबह, क्योंकि आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं पिकनिक। और ये देखो ये चूहे को देखो। हाँ जी सीमा जी, तो आप करो मैक्सी के साथ तब तक खेल, ठीक है, मस्ती करो दोनों मिलके, और मैं फटाफट रेडी हो जाता हूँ, ठीक है। ऐसा गेम खेलना पागलों वाला, बिल्कुल पागलों वाला गेम खेलेगा सीमा के साथ। खेलते खेलते सो गया। कैसा है यार ये क्यूट, दोस्तों हमें निकलना था 9:30 बजे, अभी बज गए हैं 11 और फाइनली अभी हम निकल रहे हैं। सब बच्चे अच्छे रेडी है, गोस्टू अपनी जगह पे आ चुका है, सीमा ने यहाँ भी आ चुके हैं, बेमटे भाई आ रहा है अपनी गाड़ी लेके, उसके साथ दा भी आ रहे हैं जिसमें खाने का सामान है बहुत सारा हमारा, और अभी फटाफट हम बस निकल रहे हैं। और यहाँ शोर के लिए माफी, क्योंकि नानूबा का भी चुप नहीं हो सकता, आपको बताइए नानूबा का चलता रहता है, नानूबा का भी चुप नहीं हो सकती, पर होपफुली आपको उनकी आवाज़ इतनी नहीं आ रही हो। और चलें फिर? हाँ। चलो आ जाएंगे थोड़ी देर में, आ जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं जा रहे। हाँ। परेशान हो गया, परेशान नहीं होगा, उसको जाना है, गोश्त का बर्तन नहीं रखा यार। ले आएंगे, चलो भैया चलो। गोश्तू सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। गोश्तू क्या हुआ? चलो इतना एक्साइटेड है ये, बाप रे। दोस्तों फाइनली तीनों बच्चे हमने इस गाड़ी में लोड कर लिए हैं, फाइनली सब हो गया रेडी, चलें। एक बार ना व्लॉग चैनल पे मैंने एक व्लॉग डाला था जिसमें सीमा ने ना व्लॉगिंग करी थी, लोगों को इतनी पसंद आई, तो मैं सीमा से कहता रहता हूँ कि यार ले कैमरा पकड़ो, तेरे को बना लेते कुछ वीडियोस बनाने हैं। और भाई वो कैमरा पकड़ के ना क्या क्या बोलती है, इतनी प्यारी व्लॉगिंग करती है ना, ये देखो। दोस्तों हम निकल गए हैं, हम जा रहे हैं अब ट्रिप पे। दे रहा है मैक्स, दे रहा है डियो, दे रहा है गोस्ट, और हम जा रहे हैं ट्रिप पे। और गोस्ट दिख रहा है? दिखाया ना गोस्ट, दिखाया भी तूने? दिखाते आज सीमा ब्लॉगिंग कर रही है। दोस्तों ऐसे करना कैमरा में, हाँ आज सीमा से कराएंगे हम ब्लॉगिंग, और सीमा और मैं गाड़ी में जा रहे हैं मस्त अपना मस्ती करते करते। सो हम निकल पड़े इस छोटी सी पर ब्यूटीफुल जर्नी के लिए। इट वॉज अ ब्यूटिफुल विंटर मॉर्निंग, सूरज ऑरेंज ऑरेंज था, गोस्टी वॉज इंजॉइंग द राइड, मक्कू के तो भाई मज़े ही मज़े थे, हवा में ठंडक और मन में ना फुल एक्साइटमेंट थी। सो हम चलते जा रहे हैं दोस्तों, जर्नी बहुत ही अमेजिंग जा रही है, तीनों बच्चे ना सेटल हो चुके हैं एकदम बढ़िया से, रिलैक्स हो गए, एंड बहुत सुंदर सी जर्नी है। देखो कितना सुंदर सा रास्ता है, खूबसूरत सा पहाड़ों के बीच से चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अभी पता नहीं कैसा सा पॉन्ड होगा, अब मेरे को ना बस एक ही चीज़ की एक्साइटमेंट है कि यार मक्कू वहाँ तैरेगा कि नहीं तैरेगा, बस फिंगर्स क्रॉस, अगर मक्कू तैर लेगा तो मज़े आ जाएंगे, क्योंकि इसने लाइफ में ना सिर्फ एक बार करी है स्विमिंग, जब छोटा बच्चा था छोटे से पूल में, तो वहाँ पे देखते हैं क्या करता है। आई विश तैर ले यार, बस मज़ा आ जाएगा सीरियसली। मैक्स यार बाहर क्यों निकाला है? हवा लेने के लिए आज बाहर निकाला है।
हेलो, क्या हुआ है? हमने छोटा सा ब्रेक लिया है, अभी पानी वगैरह भर रहे हैं हम। दोस्तों, जब तक हम पानी भर रहे हैं तब तक आपको एक एक्साइटिंग बात बताता हूँ मैं। हाँ लियो। हाँ, ये जो वीडियो है इट्स बीइंग शॉट बाय सोनी ZV-E1 एंड इट इज वर्ल्ड्स लाइटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फुल फ्रेम कैमरा। मतलब फुल फ्रेम अगर जिसको पता है उसको पता है कि भाई इसके अंदर सोनी A7S3 का सेंसर है, जो कि लेजेंडरी सेंसर है, और ये बहुत ही छोटी, बहुत ही कॉम्पैक्ट बॉडी में है। एंड भाई, अगर आप इस कैमरे की पावर की अगर मैं आपको बात करूँ तो भाई ये 4K 120 FPS शूट करता है। मतलब समझ रहे हो, उससे ज़्यादा तो किसको क्या ही पावर चाहिए। सो इट इज़ मोर देन केपेबल टू शूट एनीथिंग। एंड भाई, इसमें एक चीज़ और है कि ये ना, अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें ना एक फ्लिप LCD स्क्रीन है, वेरीड एंगल। तो जब व्लॉग, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो भाई बहुत हेल्प होती है। अभी मैं देखो खुद को भी देख पा रहा हूँ, ये देखो ये शैतान भी दिख रहा है मुझे, लियो पीछे गोस्टू भी दिख रहा है। तो बहुत ही अमेजिंग फीचर है, इट इज़ अ मस्ट हैव इन एनी कैमरा मेरे अकॉर्डिंग। और इसकी जो स्क्रीन है स्पेशली, इट्स वेरी नाइस। तो चलो अब ये पानी वानी भर लेते हैं, फिर अब चलते हैं डेस्टिनेशन पे। दोस्तों, हम फिर से निकल पड़े इन बहुत ही टेढ़े मेढ़े पर बहुत ही सुंदर रास्तों पे। और अराउंड 1 घंटे बाद हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। पहुंचते वक्त थोड़ा ऑफ रोडिंग थी, बट रैबिट ने पहुंचा ही दिया। एंड वहां पहुंच के जो नजारा था ना दोस्तों, ये है बुरान श्लोकवन झील। इसको बड़ावे झील के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मैनमेड झील है जो कि गजब की लोकेशन में है, एकदम पहाड़ के टॉप पे। एंड आज फिंगर्स क्रॉस्ड मक्कू बस यहाँ पे ना स्विमिंग कर ले दोस्तों। फाइनली पहुँच गए दोस्तों, फाइनली। नाइस। अरे मत्तू, चलो भाई गोस्टू आ जाओ, लियो आ जाओ, तुम भी आ जाओ। आ गया लियो भी, आ गया। दोस्तों, जब हम लेक के किनारे पहुंचे ना तो हम बड़े एक्साइटेड थे, तो हम ना लेक की तरफ भागे बिना कुछ सोचे समझे। और हमसे आगे आगे कौन भाग रहे थे? लियो और मैक्स। और जैसे हम लेक के किनारे पहुंचे ना, हम इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, एक आवाज आई, पचैक। ओए लियो, तैर रहे हैं। अरे भाई, अरे अल्टीमेट, नो, दोनों को दोनों, ये तो अल्टीमेट ही कर दिया। लियो कितना प्यारा तैर रहा है। अरे भाई, अरे तो एपिक कर दिया भाई इन्होंने। ओले, अरे भाई दिल मुंह में आ गया भाई। लियो से पूछा, कैसे तैर रहा है इतना मस्ती है मैक्स? ओले मेरा, अरे अरे मैक्स, आई लव यू सो मच यार। मैं तो टेंशन में था, तैर पाए मेरे को पता टेंशन उड़ती तैर पाएगा कि नहीं तैर पाएगा भाई। अल्टीमेट भाई, मोमेंट ही हो गया। तो भाई हम यहाँ पे आए, हमने कहा यार थोड़ा लेक के किनारे घूमते हैं, थोड़े नजारे वजारे देखते हैं, सीधे डाइव। मैक्स तो कूदा कूदा, लियो भी, और लियो तैरा कितना प्यारा। अरे यार दिल खुश हो गया यार, यहाँ आना सक्सेसफुल हो गया दोस्तों यार, अल्टीमेट हो गया। भाई मैक्स और लियो ने जो स्विमिंग करी ना, मैं तो खुशी से ना पागल हो गया। मैक्स कूदा, उसके पीछे लियो भी कूद गया, क्योंकि लियो को होता कि अरे भाई कूदा है, मैं भी कूद रहा हूँ। मतलब इन दोनों का ये देखो, पीछे दिख रहा है ना आपको, हर समय लगे रहता भाई इनका ये जो ऊटपटांग खेल है। वैसे ही वहाँ पे भी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, पहले मैक्स कूदा फिर लियो कूदा। ओ भाई क्या सीन था, इतनी खुशी हो गई। पर पानी ना एकदम चिल्ड था, एकदम ठंडा पानी था भाई वो। तो ठंडे पानी से ना मेरे को लगता है कि लियो की ना फट गई, और लियो ना उसके दोबारा पानी में नहीं गया। पर मैक्स ने तो भाई एक डाइव के बाद दूसरी डाइव, तीसरी डाइव, चौथी डाइव। हाँ अच्छा देखो, जा तैर रहा है, तैर फिर तैर ले, जा तैर लो बाबू, अब मूड नहीं है क्या तैरने का? अभी तक तो तैर रहा था। वाह वाह, 1 2 3 गो, मक्कू सीनियर की तरह तैरो। अरे वाह, अरे वाह, वाह वाहू, अरे वाह, ओले वाओ सोना, ओले वाओ लिया यार, वाओ। ओहो मैक्स, डूबना मत, बाप रे डर आ रहा है। उस साइड है बेटा मल्लू, उस साइड है, उस साइड से रास्ता। तितली देख रहे हैं उस साइड। सीमा तू जा सकती है क्या, उसको बुलाना। मैं गोस्टू को पकड़ देता हूँ, तू जा, तू, हम तो घुस नहीं पाएंगे। हाँ बुला ले उसे आगे से। हाँ आगे से, आगे जा, रास्ता नहीं है ना डिफाइंड एकदम। वाओ थैंक यू।
अरे वाह मजा आ गया यार मैक्स अल्टीमेट यार ब्रो अल्टीमेट ब्यूटी यार ये लियो भी आ गया ये देख भाई को देखे देखे कूद मारेगा अमेजिंग हेल्प कर दे वहां से बहुत टफ है आना ऊपर को दोस्तों क्योंकि ना पानी बहुत ठंडा था मजे तो बहुत आ रहे थे बट फिर हमने ना पिट्टू का ब्रेक हमने ना मैक्स को रोका मैंने कहा भाई सूख जा कहीं तू बीमार ना पड़ जाए एंड जब हमने ब्रेक लिया एंड वी ऑल स्टार्टेड टू रिलैक्स तो फाइनली अभी चीज़ें ना थोड़ी सेटल डाउन हो गई हैं लियो भी बैठ गया है मक्कू भी बैठ गया है गोस्टू को हमने वहाँ पे बांध दिया है फिलहाल के लिए यहाँ पे खाना वाना बन रहा है मस्त करके मस्त पुलाव पक रहा है हमारा देखो लकड़ी में एकदम मस्त क्या बना रहा है नींबू पानी बना रहा है अरे वाह व्यंजन बन रहे हैं सो जब तक दोस्तों यहाँ पे खाना वाना बन रहा है ना मैं आपको जो कैमरा मैं यूज कर रहा हूँ इसके एक और बहुत मस्त चीज बताता हूँ जो हमारे लिए तो बेस्ट है आजा मक्कू सो दोस्तों इस कैमरे में ना एक स्टेबलाइजेशन का मोड है विच इज डायनेमिक एक्टिव स्टेबलाइजेशन जो कि बहुत ही क्रेजी है मैं भी आपको दिखाता हूँ आ गया चलो देखो दोस्तों मैं मैक्स के ना पीछे पीछे चल रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा कितना कितना ज्यादा ये अनस्टेबल हो रहा है आजा ऊपर आजा देखो इनके पीछे से बच्चों के साथ हम शूट करते हैं ना तो दौड़ना है भागना है अभी अब देखो हम चल रहे हैं चलो 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 हाँ चलो मैक्स तितलियाँ पकड़ रहा है तो आपको दिख रहा होगा कि कितना अनस्टेबल है ये और अब मैं इसका स्टेबलाइजर ऑन करता हूँ डायनेमिक एक्टिव स्टेबलाइजेशन ऑन करता हूँ और आप देखना कितना स्टेबल हो जाएगा ये अब देखो दोस्तों इसका स्टेबलाइजर हमने ऑन कर दिया है तो आपको दिख ही रहा होगा कि फुटेज कितनी स्टेबल है एकदम मक्खन की तरह आ रही है भाई स्टेबल फुटेज सो दोस्तों देखो अब मैं आपको व्लॉग वाले सेटअप में दिखाता हूँ है ना स्टेबल कितना ज़्यादा स्टेबल है सो दिस इज़ जस्ट अमेजिंग एंड हमारे लिए ये सबसे यूज़फुल फीचर है क्योंकि भाई जब हम हाइक्स पे जाते हैं एडवेंचर्स पे जाते हैं या बच्चों के साथ जनरली वीडियो भी शूट करते हैं तो हम कैमरे से वीडियो शूट ही नहीं कर पाते क्योंकि वो इतना शेक हो जाता है और भाई ये जो मोड है ये मोड अल्टीमेट है दोस्तों इस स्टेबलाइजर वाले फीचर की वजह से ना आई एम वेरी एक्साइटेड कि अब मैं जहाँ जहाँ पे कैमरा यूज़ नहीं कर पाता था अब मैं उन जगहों पे भी वीडियोस कैमरा से बना सकूंगा और आपको ना बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा खैर यूजुअल मस्ती चल रही थी मैक्स गोस लियो खेल रहे हैं दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं और एकदम से ना पीछे से सीमा की चिल्लाने की आवाज आई सीमा दिखा दांत टूट गया दिखा दांत कहाँ है अरे हाथ में दांत कैसे टूटा टूटने वाला था ये खा रही थी चलो कांग्रेट्स जाओ इसको अब उसमें डालो दूबे में दोस्तों यहाँ तक वीडियो आई होप आपको अच्छा लग रहा हो छोटा सा एक मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ सोनी की शूटिंग ग्रिप के बारे में सबसे अमेजिंग दोस्तों ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाती है सोनी के कैमरा से इसमें डेडिकेटेड बटन्स भी हैं दोस्तों फोटो के लिए वीडियो के लिए जूम इन जूम आउट करने के लिए एक कस्टम बटन भी है और साथ में एक लॉक डायल भी है ताकि सेटिंग्स आप चेंज ना हो जाएं व्हेन रिक्वायर्ड ये ऑल्सो इट एक्ट्स एज अ ट्राइपॉड इसको आप ऐसे ट्राइपॉड की तरह रख सकते हो एंड ये जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों ये ग्रिप एंड दिस कैमरा दिस मेक्स इट अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर व्लॉगिंग एंड फॉर मेकिंग वीडियोस सो यस चलो लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो हमने यहाँ पे चिप्स रखे थे पहले यहाँ थे चिप्स लियो दूर था लियो धीरे धीरे नज़दीक आता गया फिर चिप्स हमने दूर कर दिए अब लियो का काटा हो गया अभी थोड़े टाइम बाद लियो थोड़ा और पास आ जाएगा पर लियो के साथ इशू ये है ना दोस्तों खा ले कोई दिक्कत नहीं है ये कर देगा इस चिप्स को लैमिनेट तो फिर कोई नहीं खा पाएगा फिर दिव्यांशु खाने पड़ेंगे सिर्फ दोस्तों सीमा का दांत तो टूट गया पर मैं आपको इस कैमरे का ना एक और बहुत ही अमेजिंग फीचर बताता हूँ तो देखो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी कैमरा यहाँ पर रख दिया आप देख रहे हो स्टेशनरी रखा हुआ है अब जैसे मैं पीछे जाऊँगा ना ये कैमरा ऑटोमेटिकली मुझे ऐसे रीफ्रेम कर देगा जैसे कोई बंदा ना कैमरे को मूव कर रहा है देखो क्या अमेजिंग है आप देख ही सकते हो कैमरा कैसे रखा हुआ है स्टेशनरी और ये ना दोस्तों फीचर पता है बहुत अमेजिंग बिकॉज जब आप अकेले हो और आप कैमरे से डायरेक्टली बात कर रहे हो ना तो बहुत मोनोटनस हो जाता है एक जगह पे खड़े खड़े ना और अकेले आप कैमरा तो मूव कर नहीं सकते सो ये फीचर उसके लिए अमेजिंग है स्पेशली जब हम जाते हैं ना ट्रैकिंग वगैरह पे तो मैं कैमरा ट्राईपॉड पे लगा देता हूँ सब थके हुए होते हैं किससे बोलो शूट करने के लिए सो दिस फीचर इज जस्ट अमेजिंग फॉर दैट कि भाई मैं कैमरा बस रख दूंगा एंड देन मैं आपसे चलते फिरते बात कर सकता हूँ कैमरा ऑटोमेटिकली मुझे रीपोजिशन करेगा सो जस्ट अमेजिंग यार जितने भी फीचर्स हैं ना दोस्तों इस कैमरे में सारे के सारे मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे लिए तो बहुत बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों जब तक मैं आपको कैमरे के बारे में बता रहा था ना पीछे से ना आवाज़ आती है छिपैक हाँ दोस्तों मैक्स ने गंदे वाले पानी में कूद मार दिया यार अब साफ वाले पानी में भेजो उसे जाओ खुद ही जा रहा है वो उसको इतने मजे आ गए हैं गोस्टू को मैं पकड़ रहा हूँ गोस्टू तेरे को तैरना तो है नहीं तेरे को वहां पे जाना है लियो गोस्टू के चक्कर के डर में नहीं आएगा चलियो जा बाबू
क्या टाइम मारी है भाई, कैसे टाइम मारी है इतनी तगड़ी भाई। ये तो अपने बड़े भाई से भी एक कदम आगे लग रहा है मुझे, ऐसे टाइम तो मक्कू भी नहीं मारता था यार। डंडी कैसे पकड़ी थी ना, बीड़ी पकड़, बीड़ी पी रहा हूँ। अरे वाओ, अरे वाओ, अल्टीमेट यार। सीमा हेल्प करना, हेल्प कर दे, हेल्प कर दे। डाई वैसे ही मार रहा है ना यार, कितना पीसफुल है, कितना अमेजिंग लग रहा है, मक्कू तैर रहा है। तो ऑनेस्टली आई एम इमोशनल, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था तैरेगा, पता है, और इतना इंजॉय कर रहा है स्विमिंग करना यार। मैं तो उसको कहाँ कहाँ ले जा दूंगा, फेंकना, तैरने दे उसे, उधर को फेंक, उधर को। ओ पानी में घूम भी गया, बस ये लास्ट, ठीक है, ठंडा लग जाए क्योंकि सर्दियाँ आ गई है ना। इतना पीसफुल लग रहा है दोस्तों, मक्कू तैर रहा है, यू नो, जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स। आजा मत, तू आजा, हो गया अपनी तैरना, पानी बहुत ठंडा है, आजा बा, हो गया बाबू, चलो अब गंदे पानी में नहीं जाना, ठीक है, आओ आओ आओ, चलो 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 आओ। उसको ना गाय दिख गई एक्चुअली। सीमा बहुत तेज खींचेगा, टाइट पकड़ना, तू नहीं पकड़ पाएगी, पागल है। ला कैमरा मेरे को दे दे, तू गिर जाएगी, गिर, उसको देखो, वो बहुत, वो गाय दिख गई है उसे, सीमा भी मत पकड़, आ मैक्स साथ धूप में, चल चल बाबू चल, नहीं अब नहीं, मैक्स अब नहीं तैरना, आ जाओ आओ आओ, बच्चा तैरने के लिए कितना खुश है, अच्छा देखो उस लोग जा रहा है, जल्दी मैक्स आ जल्दी, अब उसको तैरने की पड़ी है, तैरना ही तैरना है, आजा बाबू, आ गया आ गया आ गया आ गया, फुल स्पीड में आ रहा है, स्पीड देखो ना, भयंकर। दोस्तों आप ये सवाल जरूर सोच रहे होंगे, इनफैक्ट मेरे से कमेंट में पूछ भी चुके होंगे आप, कि यार मैक्स और लियो भाग रहे हैं, तैर रहे हैं, गोस्टू को आपने पकड़ा हुआ है, क्या है, व्हाट इज दिस बिहेवियर। दोस्तों एक्चुअली जहाँ पे हम थे उसके ऊपर ना गाय, बकरी और भेड़, तीनों प्रकार के जानवर थे, और भाई गोस्टू के साथ अगर जानवर है ना आसपास, तो गोस्टू को हम नहीं खोलते, बिकॉज वो बहुत रिस्की हो जाता है उन जानवरों के लिए। गोस्टू का भाई पता नहीं कौन सा मोड स्विच हो जाता है एकदम से, और गोस्टू कुछ और ही बन जाता है और जाके उन पर अटैक अटैक कर देता है। इस वजह से गोस्टू को हमने पकड़ा हुआ था, पर भाई पकड़ने के बाद भी चैन नहीं है इसको, देखो उसने इनकी फाड़ दी भाई साहब। करो करो एंजॉय करो, लाओ मैं पकड़ता हूँ गोस्टू को, लो इसे आप पकड़ो, कैमरे को सीधा ने पकड़ लिया, ला दे मेरे को दे। पूरा बॉडी वेट ना ऐसे उल्टा करना पड़ता है गोस्टू के, ऐसे पीछे को, तब वो नहीं खींच पाता है। चल उल्लू, गाय दिख गई, गाय क्या हुआ मैक्स, मैक्स इतना ओवर एक्साइटेड है, देख रहे हो। अरे अरे भाई भाई भाई, अरे क्या मस्ती हो रही है, क्या मस्ती आ रही है इसको, आ जा, ठंडे पानी ने इसके दिमाग में असर तो नहीं डाला कुछ। दोस्तों हर ग्रुप में ना कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो फैशनेबली लेट आते हैं। हमारे ग्रुप में ना वो दोस्त है मैं, बट आज मेरा बेस्ट फ्रेंड मयंक लेट हो गया था, एंड फाइनली ही अराइव्ड। दोस्तों हमारे फ्रेंड्स आ चुके हैं, मयंक लोग, मयंक एंड फैमिली, एंड हमने तो भाई बहुत देर से मस्ती कर रहे हैं, मक्कू तैर रहा है भाई, ऐसी मस्ती मार दी ना हमने तो, रिकॉर्ड कम कम किया, मक्कू ने भाई तैरा है, दौड़ा, भागा, ऐसा मतलब अल्टीमेट सीन कर दिया ना, इतना मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अभी भी लकड़ी लेके गया भाई, इतनी एनर्जी है ना मैक्स में, सीरियसली टच वुड ऐसे रहे भाई। मैक्स को स्विमिंग करके क्या मजे आ गए हैं भाई, एक डाइव पे दूसरी डाइव के बाद तीसरी डाइव, भाई वो स्विमिंग करके करके रुक ही नहीं रहा। एक तो मैक्स का स्टैमिना भी बहुत है ना भाई, कुछ भी नहीं तो 10 से 15 राउंड मार चुका है, ठीक है, लेक के चारों तरफ दौड़ चुका है 10 से 15 बार डाइव मार चुका है, मतलब वो रुक ही नहीं रहा यार। और हमें ना फिर डर लगने लगा कि भैया अगर बीमार पड़ गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। कहाँ गया वो दिखी नहीं मुझे, मैक्स बार बार भाग जा रहा है, तैरने के लिए सुखाई नहीं पा रहा है, इसे बार 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 जा रहा है डाइव, दौड़ के जा रहा है डाइव। मैक्स नहीं बाबू नहीं, नो आ जा मेरा बच्चा, अब नहीं सूखेगा नहीं यार, ठंड लग जाएगी, गुड बॉय मैक्स, नहीं यार बेटा, नहीं नहीं नहीं, हाँ तैरो नहीं, आ जाओ ऐसे आ जाओ। दोस्तों बेहतरीन नींबू पानी का मजा लिया जा रहा है हमारी इन वादियों में, और थैंक्स टू दा और दाई, दोनों के दोनों शेफ हमारे, बढ़िया बढ़िया चीजें खिला पिला रहे हैं। अब हम चिल मार रहे हैं बढ़िया मस्त एकदम, बच्चों ने तैर भी लिया है, दौड़ भाग रहे हैं, थोड़ी देर रिलैक्स करने का प्लान है, फिर देखते हैं। दोस्तों जब तक ये लोग खाना वाना बना रहे हैं ना, मैं आपको इस कैमरे का एक और फीचर बताता हूँ जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल है। इस कैमरे का दोस्तों ऑटो फोकस ना बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब आप उसे प्रीसेट कर सकते हो ह्यूमन पे, एनिमल्स पे, एनिमल्स मतलब डॉग कैट, इंसेक्ट्स पे, ट्रेन पे, कार पे, एरोप्लेन पे, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं, और भाई इसकी फोकसिंग इतनी क्रेजी है ना, मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों इसका ऑटो फोकसिंग दिखाता हूँ, देखो दिव्यांश फोकस में, अब मैं इस पे करूँगा मैक्स पे, ये देखो फोकस देखो ना कितना शार्प है, ये देखो जुप 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 जुप, क्या ऑटो फोकसिंग है यार, अमेजिंग।
बहुत टाइम से दा हमारे और अनुराग दादी खाना पका रहे थे भाई, बहुत टाइम से हम बहुत भूखे थे एंड फाइनली खाना पक गया। दोस्तों हमारा खाना वगैरह यहाँ पे लग रहा है। हमने ना एक्चुअली क्या है कि ये पहाड़ से ना, इस पहाड़ से सूरज छुप रहा है, तो हम ये कर रहे हैं कि अब यहाँ पे हमने थोड़ा धूप में शिफ्ट कर लिया इसको। मैक्स की तो भाई अलग ही मस्ती चल रही है, चालू ही है मस्ती। आ जाओ सब खाना खाने। लियो कहाँ है? गोस्ट और लियो वहाँ बैठे हैं। देखो गोस्टू तो यहाँ बैठा है। दोस्तों अभी गोस्टू को ना कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, गोस्टू को एक मतलब नहीं है दुनिया में, कुछ खाने को मिले ना मिले कोई लेना देना नहीं है। क्यों? वो ऊपर वहाँ पे बकरियाँ भेड़ और गायें हैं। मैक्स तू आ जा, चल आ जा, तू भी थोड़ा थोड़ा खाएगा पुलाव। चल इनके लिए ऑब्वियसली थोड़ा बिना नमक वाला है, हम लोग तो नमक वमक वाला खाएंगे। ऐसे नहीं फेंकना है। चलो अच्छी बात है, आज रुद्र का जानवरों से डर खत्म हो जाएगा। ये है दोस्तों हमारा डिलीशियस खाना, एकदम शाम की खूबसूरत येलो वाली धूप में हम खाना खा रहे हैं। ये रहा रायता, मस्त मस्त था। ये रहा हमारा चावल, कीरा, थोड़ा सा पनीर, मतलब पुलाव है बेसिकली। मस्त यहाँ पे सर्विंग चल रही है। देखो दोस्तों, देखो कितना काला सा बादल आ गया है, बहुत ही जबरदस्त सा बादल आ गया है, पूरा ढक दिया उसने सूरज को और बिल्कुल ना डार्क डार्क सा हो गया है सारा यहाँ पे, जो पूरा हिसाब किताब है। तो अभी दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था बादल आ गया, अब हम क्या कर रहे हैं ना, सारा सारा कूड़ा जो जो जलाने वाला कूड़ा था हमने जला दिया, कागज वगैरह, और बाकी सारा का सारा कूड़ा हमने गाड़ी के अंदर रख दिया है, ए टू जेड सब कुछ। और अभी हम क्या कर रहे हैं, हाँ हाँ भाई रुक जा, शांति शांति, अभी हमने बस थोड़ा बहुत शूट करना है, वो शूट करके फिर हम लोग भी हम निकलेंगे यहाँ से। एक फीचर और है दोस्तों इसमें, जो कि ना मतलब कंटेंट क्रिएटर्स और ब्लॉगर्स के लिए स्पेशली बनाया गया है। देखो दोस्तों मेरे पीछे का बैकग्राउंड आप कार्स को देख सकते हो, कितना भी अभी आपको ब्लर दिख रहा होगा, तो इसमें फीचर है कि आप बटन दबाओगे तो वो क्लियर हो जाएगा, एंड अगर आप दोबारा से बटन प्रेस करोगे सिंपल तो बैकग्राउंड आपका ब्लर हो जाएगा। तो यू कैन चूज़ कि जब ज़्यादा लोग हैं तो आप उसको क्लियर कर लो, और जब आपको लगता है सिनेमैटिक वीडियो बनाना है, सुंदर सा वीडियो बनाना है, तो आप बटन दबा दो एक सिंपल सा, कैमरा ऑटोमेटिकली सेटिंग्स को चेंज करेगा एंड देन बैकग्राउंड को ब्लर कर देगा। कितना जल्दी हो जाता है, कितना इजी है। सो दोस्तों फाइनली खा पी लिया, बहुत अमेजिंग डे था। मक्कू ने इतनी स्विमिंग करी है ना भाई, इतनी ज़्यादा, मान ही नहीं रहा था, अभी भी गीला है। घर जाके मेरे को भी डांट पड़ेगी अगर ये सूखेगा नहीं तो। खैर अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि ना एकदम से आप देख रहे हो बादल लग चुके हैं, मौसम खराब सा होने को लग रहा है, धूप चाह चुकी है और ठंड हो रही है तगड़ी। मैंने तो स्वेटशर्ट कैरी करी थी पर सीमा मैडम की फट चुकी है अच्छे से, कह रही है मैं मर जाऊंगी जम जाऊंगी। और आज से ना रामलीला शुरू है पिथौरागढ़ में, तो सीमा का रामलीला में रोल मिला है। ऐसे क्या रोल मिला तेरे को? आरती का रोल मिला है, ऐसे आरती करने का। उस रोल के लिए जाना है इसको, 5:30 बजे पहुँचना है, यहाँ से हमें 1.5 घंटा लग भी जाएगा। तो अब यहाँ से कट लेते हैं, फटाफट चल लेते हैं। गोस्टू को ऑलरेडी हमने गाड़ी के अंदर डाल दिया क्योंकि गोस्टू ना बहुत परेशान कर रहा था यार, बकरी बकरी दिख रही थी। मक्कू को देखना कैसे देख रहा है, ओले। मैक्स का तो दिल्ली नगर है यहाँ से जाने का, और लियो भी बहुत थक गया, लियो ने काफ़ी खेला आज। लियो का पहले मतलब ऐसे आउटिंग, पहली आउटिंग है ना लियो की, लियो की फर्स्ट आउटिंग है, लियो भी थक गया है। अब हम यहाँ से चल रहे हैं। सो दोस्तों इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे, इट वॉज वंडरफुल डे फॉर मी, इट वॉज अमेजिंग बिकॉज लियो और मैक्स दोनों ने स्विमिंग करी। लियो की हमारे साथ ये पहली आउटिंग थी एंड ही इन्जॉयड सो मच। हमने बहुत सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा स्वादिष्ट खाना भी खाया एंडिंग में, एंड यू नो इट वॉज अ डे वेल स्पेंट। अभी लियो की सर्जरी के लिए हम लोग जाने वाले हैं कुछ दिनों में, आफ्टर दिवाली, तो फिंगर्स क्रॉस मैं बताऊंगा आप लोगों को, आप लियो के लिए प्रे करना। सर्जरी से पहले लियो थोड़ा घूम फिर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, खेल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है हमें। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में अपना प्यार आप हमें दे दीजिएगा, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी दबा देना अगर आपने नहीं दबाया, जस्ट इन केस। एंड अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, एंड ऑन दिस नोट द हिमालयन हस्की ओवर एंड आउट। और सुनो लास्ट में एक छोटी सी मस्ती चीज़ दिखाता हूँ, पहाड़ है ना बड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं दोस्तों, तो जब हम वापस जा रहे थे भाई हमने एक इतना ब्यूटीफुल नज़ारा देखा ना, ये चेक करें आप। दोस्तों आपको मस्ती दिखाता हूँ, देखो ये है गोस्टू और ये देखो सामने ये हो रही है बारिश, है ना अमेजिंग। पहाड़ों के ना यार मज़े अलग हैं, इनफैक्ट जहाँ बारिश हो रही है ना वहीं पे उस पहाड़ के पीछे ही हमारी सिटी भी है। क्या क्रेजी लग रहा है यार, क्या क्रेजी लग रहा है, वाओ, है ना गोस्टू, ए गोपलू। दोस्तों हम इतने सही टाइम पे निकले हैं ना, आपको मैं दिखाता हूँ, वो सामने देख रहे हो आप, जो कोहरा सा दिख रहा है, कोहरा नहीं है, बारिश है बहुत तेज, बहुत ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। देखो हम इस एरिया से आए हैं, हम इनफैक्ट ये ऊपर जो पहाड़ है ना वहाँ कहीं से आए हैं, तो वहाँ पे मौसम फिर भी ठीक ठीक है, पर यहाँ पे तो मौसम बहुत ही डेंजरस हो रहा है। चलो फटाफट से घर पहुंचते हैं।